ईथर टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड ईथर जो है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो आपको नजर आ रहा है, ROR। तो ईथर जो होता है उसमें ऑक्सीजन है और उसके जो दोनों तरफ है वो दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप है। ये ईथर का बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें बीच में आपका ये ऑक्सीजन है और इससे डायरेक्टली दो एल्काइल ग्रुप लेफ्ट और राइट में एसोसिएट हैं। अगर एरोमेटिक होगा तो इस आर की जगह पर आप कह सकते हैं एरोमेटिक ग्रुप होगा। तो ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको आप नॉर्मली बोल सकते हैं एल्कोक्सी। ये ईथर का आपका फंक्शनल ग्रुप है, राइट? तो ईथर एक सॉल्वेंट है, ईथर नॉन पोलार है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम अलग अलग इसके अंदर करेंगे। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ ईथर। तो एक आपका एलिफेटिक ईथर है जिसके लेफ्ट और राइट में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी हो सकता है। एक आपका एरोमेटिक ईथर है जिसमें एटलीस्ट अराइल ग्रुप तो एक तरफ होना ही चाहिए। और एक आपका साइक्लिक ईथर है जिसमें ऑक्सीजन तो है पर साइकिल होनी चाहिए। तो एक बार के लिए इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई, अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि एलिफेटिक ईथर आपको कैसे नजर आए, तो हमने ये लिखा है कि दिस इज द जनरल फॉर्मूला जिसमें ROR मतलब दोनों तरफ जो है वो एल्काइल ग्रुप है। एरोमेटिक ईथर एटलीस्ट एक तरफ तो हो, फिर भी फॉर्मूला तो RO यही होगा। एंड साइक्लिक जिसमें ये ऑक्सीजन इन एल्काइल ग्रुप के साथ में रिंग बना ले। तो आई थिंक आप देखकर पता कर सकते हैं कि दिस इज एलिफेटिक ईथर, दिस वन इज एरोमेटिक ईथर एंड दिस वन इज साइक्लिक ईथर। तो ये आपको एक वेरी फर्स्ट पार्ट पे इसका बेसिक आपको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स को हम साथ में लेके देखते हैं कि आप एग्जाम्पल से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये अलग अलग एग्जाम्पल है, उनको हम एक साथ देखते हैं, ठीक है? चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है जनरल फॉर्मूला जिसका हमने एलिफेटिक ईथर का। तो आर इज एल्काइल ग्रुप, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। तो हमने कहा है कि ये एल्काइल ग्रुप है, राइट? तो अब ये दो तरह का है, एक होता है सिंपल ईथर और एक होता है मिक्स्ड ईथर। तो सिंपल ईथर क्या है, देखिए सिंपल ईथर के अंदर एलिफेटिक इसलिए दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होगा, लेकिन सिंपल ईथर के अंदर जो ये दोनों आर ग्रुप है ये सिमिलर होने चाहिए आपके। वेन आर इज सिमिलर टू आर, जैसे यहां पर देख रहे हैं इस तरफ CH3 है और इस तरफ भी CH3 है, तो ये आपका सिमेट्रिकल हो गया, इसको सिंपल ईथर भी बोलेंगे। बट जब आर इस आर डेस के बराबर नहीं है तो फिर मान के चलिए इधर मिथाइल है, इधर इथाइल है, तो इसको हम मिक्स ईथर बोलेंगे। और मिक्स्ड को कई बार अनसिमेट्रिकल भी बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ये दो पॉइंट आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो ये हम सिमेट्रिकल तब बोलेंगे जब आर इज इक्वल टू आर, और अनसिमेट्रिकल तब बोलेंगे जब आर इज नॉट इक्वल टू आर। आगे देखते हैं एरोमेटिक ईथर, एक तरफ आपका आर है और एक तरफ आपका अराइल ग्रुप है, दोनों तरफ भी अराइल हो सकते हैं, जैसे मिथाइल है और इस तरफ बेंजीन है, जरूरी नहीं है दोनों ही तरफ फिनाइल ग्रुप हो सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक ईथर। और साइक्लिक में आप देख रहे हैं एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन है, CH2CH2O, जरूरी नहीं है कार्बन कितने भी हो सकते हैं और एक जगह ऐसा हो गया, तो दिस इज कॉल्ड साइक्लिक ईथर। तो आई थिंक आप देखकर बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के अंदर कि कौन सा एलिफेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा साइक्लिक है। ये तीनों को देखकर आप कर सकते हैं, ठीक है? अब हम इनके कुछ नोमेनक्लेचर की तरफ जाते हैं और कुछ ग्रुप्स की बात करते हैं जो एसोसिएट हो सकते हैं दोनों तरफ। तो फॉर एग्जाम्पल पहले हम यहां पर लेते हैं एलिफेटिक। तो ठीक है, एल्काइल ग्रुप में भी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल,
आइसोप्यूटा प्रोपाइल नॉर्म कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर एरोमेटिक में इसका होना बहुत जरूरी है, विच इज कॉल्ड फिनाइल ग्रुप। चाहे ऐसे लिखिए, चाहे आप C6H5 ऐसे लिखिए, चाहे आप उसको ओपन करके ऐसे लिख सकते हैं, कैसे भी इट्स अप टू यू। बट एक बात क्लियर है कि ये आपका एल्काइल ग्रुप C6, फिनाइल ग्रुप C6H5, ये एरोमेटिक के लिए इसको आप या तो फिनाइल बोलेंगे, जो मैंने लिखा हुआ है फिनाइल ग्रुप, या फिर बोलेंगे एराइल। ये होना बहुत जरूरी है, एराइल ग्रुप, दिस इज मस्ट, आई मस्ट से ये होना ही चाहिए। तो ये मैंने बताया कि उस एराइल ग्रुप के तरफ क्या होगा, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शी ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता है ना। पर आपको जब एलिफेटिक लिखना है तो सेंटर में आपके ऑक्सीजन आ गया, और इधर आप कुछ भी, इनमें से कुछ भी लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रोपाइल लगाना है तो CH3, CH2, CH2। इधर अगर आपको एलिफेटिक ही बनाना है तो इधर आपको CH3 लगाना है तो मिथाइल लगाइए, इथाइल लगाना है तो CH3, CH2 लगाइए। ठीक है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट हम हमेशा कहते हैं कि 5 कार्बन तक सब आना चाहिए। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया ईथर का। अब इसका जनरल फॉर्मूला, और कुछ जनरल फॉर्मूले पे फोकस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ईथर का जनरल फॉर्मूला है CnS2n+2O। ये इसका जनरल CnS2n+2O, ये जनरल फॉर्मूला है। अगर एन की जगह पे आप 2 रखेंगे, एन तो नंबर ऑफ कार्बन है, तो फिर C2H22+4N2+6 होना चाहिए। देखिए आप, ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा है मैंने, CH3, CH3O, CH3। अगर इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे तो अगर फॉर्मूले में रखेंगे कार्बन की वैल्यू, तो एन इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन। जैसे 4 रखा तो एन इज व्हाट, नंबर ऑफ कार्बन। तो 2 इस तरफ रख दिए, 2 इस तरफ रख दिए, या फिर C4H10O। तो ये आपका कौन सा हो गया, जनरल फॉर्मूला। क्लियर, किसका, ईथर का। वैसे एक चीज ध्यान रखिए, ईथर का और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हमेशा सेम होता है, ईथर और दूसरा मैंने कहा एल्कोहल। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों का जनरल फॉर्मूला एक जैसा होता है। ठीक है, CnS2n+2O, ये नहीं भूलना है। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर। ईथर्स आर डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। यहाँ पर एक मैंने बात बताया, ईथर के बारे में कुछ क्वेश्चन है जो क्लियर होने चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आप बार बार परेशान होंगे। जैसे कोई बोलता है कि ईथर्स आर डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, तो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला है H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। इसमें H को हटाइए, एक R लगाइए, फिर H को हटाइए और एक R लगाइए, तो ये डाई एल्काइल ग्रुप लग गया। इसलिए यहां पर बोला है आपको कि ईथर्स आर डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर। तो बिल्कुल ठीक है, वाटर के 2 H को आपने हटा दिया और उसकी जगह पे आपने R लगा दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं। ईथर्स आर मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल। अब यू नो वेरी वेल, एल्कोहल इज ROH। अगर केवल 1 H को हटा दो, उसकी जगह R लगा दो, तो यहां भी R लग गया। तो एल्काइल, ये एक R ग्रुप आपने एक्स्ट्रा लगाया, इसलिए आपने बोला है मोनो एल्काइल। इसमें दोनों H को हटा के तो डाई एल्काइल, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। तो ईथर्स आर एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल कैसे मालूम चला? तो ईथर्स में एन एल्कोहल आपको मालूम है, एक एल्कोहल का OH और दूसरे का H निकल जाएगा, तो एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर। एनहाइड्राइड का मतलब होता है, कभी भूलने की जरूरत नहीं, एनहाइड्राइड का मतलब होता है विदाउट वाटर। क्लियर, तो वाटर को बाहर निकाल दिया आपने, तो वो जो होगा वो वाटरलेस हो गया, और उसको बोलेंगे हम एनहाइड्राइड। तो ईथर्स आर एनहाइड्राइड ऑफ एल्कोहल को लेंगे, उसमें से वाटर निकाल देंगे, देन यू विल गेट ईथर। इसलिए इसको बोला ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। तो एक बार हम सारी लाइंस को वापस एक साथ देख लेते हैं, बोल के ईथर्स आर डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ वाटर, ईथर्स आर मोनो एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल, एन ईथर्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ एल्कोहल। तो
इसमें से एक एज की जगह आर लगा देंगे, इसमें दोनों की जगह हम आर लगा देंगे, और इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल रहे हैं, क्लियर, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ईथर मिल जाएगा। तो ये टर्मिनोलॉजी है, इसको भूलना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग जगह से आ सकते हैं। जब आप एक चैप्टर को तैयार करते हैं तो कीप इन माइंड पूरा चैप्टर होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको आना चाहिए। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ईथर की बात कर लेते हैं। तो ईथर में दो आर ग्रुप है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बीच में ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया, एक आर ने दिया, एक ऑक्सीजन ने दिया, एक आर ने दिया, तो यहां पर ये चार ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के बाद में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बच गए। दीज आर कॉल्ड लोन पेयर, क्लियर। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है, और ड्यू sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है ही इसके पास में, इसलिए क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जब भी निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा बोन यहाँ पर 2 है, लोन पेयर भी 2 है, तो टोटल हो गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। बट ड्यू टू दिस लोन पेयर, वैसे sp3 है तो बोन एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, बट ये नहीं है। वाई? बिकॉज ड्यू टू लोन पेयर वहां पर रिपल्सन हो गया, मैंने लिखा है रिपल्सन। इस रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ के 110 हो गया है, बेंड शेप होता है, और ये पोलार मॉलिक्यूल है बिकॉज ऑक्सीजन और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस है। एंड जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रिपल्सन भी इंक्रीज होगा आर और आर के बीच में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एल्कोहल्स के ईथर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, आपने कहा sp3, तो फॉर sp3 बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, बट इट इज लिटिल बिट मोर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन हुआ, रिपल्सन बिटवीन एल्काइल ग्रुप, यहाँ लिख भी सकते हैं रिपल्सन बिटवीन एल्काइल ग्रुप। उससे क्या हो गया, उससे ये हुआ कि बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस और वो 110 हो गया। और जैसे जैसे एल्काइल, देखिए इसमें बॉन्ड एंगल कम बड़ा, इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप बड़ा है, इसमें और बड़ा हो गया तो बॉन्ड एंगल और ज्यादा 110 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन था कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन ईथर, तो sp3 है, कैसे, 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर अराउंड कार्बन, अराउंड ऑक्सीजन, फिर बोला है कि sp3 है तो बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स, पर नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, स्लाइटली इंक्रीजेस ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन एल्काइल ग्रुप एंड बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, और जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन, सबसे ज्यादा पोलार जो होगा वो आपका जिसमें एल्काइल ग्रुप छोटा है, लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो पोलैरिटी कम होती जाएगी, तो मैं यहां पर कंक्लूड कर सकता हूं एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस रिपल्सन इंक्रीजेस, ये कुछ चीजें आपको आनी चाहिए, लेकिन डाइपोल मोमेंट मीन्स पोलेरिटी विल बी डिक्रीजेस, क्लियर, ये आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम चालू करते हैं। तो ये क्वेश्चन था व्हाट इज द बॉन्ड एंगल एंड वाई बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। नाउ अब नॉमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। नॉमेनक्लेचर आपको सिखाता है, एक तो कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम में तो मिथाइल मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, तो अल्फाबेटिकली लिखा है हमने इथाइल मिथाइल ईथर। अब ये दोनों इथाइल है तो आपको बता दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, डाई इथाइल ईथर ये कॉमन नेम चल रहा है, बट कीप इन माइंड ये आपका इथाइल है और ये प्रोपाइल है, तो डेफिनेटली पहले इथाइल देन प्रोपाइल एंड देन ईथर, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर दिस इज मिथाइल एंड दिस इज प्रोपाइल, तो डेफिनेटली पहले मिथाइल आएगा,
अल्फाबेटिकली, फिर आएगा प्रोपाइल और फिर आएगा ईथर। ये सारा एक कंप्लीट पिक्चर है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा लिया है हमने यहां पर, और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज इथाइल एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो पहले आप इथाइल लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर आप करेंगे आइसोप्रोपाइल, बोलते जाइए है ना, आइसोप्रोपाइल, और फिर लगा देंगे इथर। ये सब हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं, आईयूपीएसी की बात नहीं कर रहे हैं। फिर दिस इज मिथाइल एंड दिस इज फिनाइल, तो डेफिनेटली मिथाइल एंड देन फिनाइल, मिथाइल फिनाइल इथर, मिथाइल फिनाइल इथर, या दोनों फिनाइल है तो डाई फिनाइल इथर। दिस इज ऑल अबाउट कॉमन नेम। तो कॉमन नेम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वापस। नाउ आईयूपीएसी नेम एल्कोक्सी एल्केन, तो एक फॉर्मूला बना हुआ है यहाँ पर, स्मॉल एल्काइल ग्रुप दोनों होगा उसके साथ आपके ऑक्सी लगाना है और बड़े ग्रुप को ऐसे कैसे लिख देना है। तो हमने कहा है कि एल्कोक्सी एल्केन, फॉर एग्जाम्पल इसमें दोनों बराबर है तो मिथॉक्सी एंड दिस इज मिथेन एज सच। यहां पर बड़ा ये, तो पहले छोटा मिथॉक्सी एंड देन बड़ा एज सच इथेन, मिथॉक्सी इथेन। यहां पर आपके दोनों तरफ बराबर है तो इथॉक्सी एंड देन इथेन। तो यहां मैं नाम लिख सकता हूं, अगर मुझे यहां पर नाम लिखना है तो मैं यहां पर लिखूंगा इथॉक्सी एंड देन टू कार्बन इज लॉन्गेस्ट चेन सो इथेन। सिमिलरली दिस इज मिथॉक्सी एंड दिस इज प्रोपेन, तो 1 2 3, तो पहले मैं छोटा लिखूंगा मिथॉक्सी एंड देन प्रोपेन। ये सारे नोमेनक्लेचर आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप देख के। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इथॉक्सी एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल, तो आपको पहले नंबरिंग करना पड़ेगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 एंड 3। अब 2 पर आपके ऑक्सी है तो 2 इथॉक्सी एंड 2, क्योंकि 2 पे था, अब ये 3 है तो प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ये आपको आना चाहिए। तो नंबरिंग करनी है 1 2 3, 1 लिखते नहीं है इसलिए 1 मिथॉक्सी या फिर मिथॉक्सी प्रोपेन या फिर 2 इथॉक्सी एंड प्रोपेन, तो नंबरिंग आपको पहले करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ 1 एंड 2 है तो कुछ नहीं करना, 1 इथॉक्सी पर 1 लगाते नहीं है इसलिए इथेन, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर नहीं भूलना है। और कुछ नेम नोमेनक्लेचर कर देते हैं, प्रैक्टिस रैक से मेन परफेक्ट, ताकि आईयूपीएससी आपको आ जाए। आप हमेशा ध्यान दीजिए, कीप इन माइंड, जब आपके एलिफेटिक भी है और एरोमेटिक भी है, कोई डजन मीन, आपको फोकस यहां करना है तो दिस इज इथॉक्सी एंड लॉन्ग चेन 1 2 3, सो दिस इज आयोडो एंड दिस इज फिनाइल, तो आपको अल्फाबेटिकली करना 1 इथॉक्सी 2 आयोडो 3 फिनाइल एंड लॉन्ग चेन में 4 है, इससे क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि आपका जो लॉन्ग चेन है इस लॉन्ग चेन के अंदर कार्बन जो है वो कितना है, 4 है। इसी तरह से ये देखते हैं तो ये पहले हो जाएगा मिथॉक्सी, फिर एक सब्सिट्यूएंट है क्लोरो, एक है ब्रोमो, ये 2 मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली अरेंज करना। और लॉन्ग चेन जो है आपका, जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये लॉन्ग चेन है आपका। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी फर्स्ट आपको लिखना है 1 मिथॉक्सी, ठीक बात है, फिर 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 3 3 डाइमिथाइल और आ जाएगा ब्यूटेन। अल्फाबेटिकली आपको आईयूपीएससी में अरेंज करना पड़ता है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जितने एग्जाम्पल करेंगे हमको फायदा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये है आपके पास में, तो सबसे पहले 2 साइक्लोप्रोपॉक्सी, क्योंकि आपका लॉन्ग चेन, तो ये लॉन्ग चेन हो गई आपकी पूरी, तो 2 पर क्या है आपका, साइक्लोप्रोपॉक्सी और फिर ये ब्यूटेन। इसी तरह से लॉन्ग चेन है, अब ये 1 मिथॉक्सी और ये आ जाएगा प्रोपीन, ऐसे आपको करना है, ठीक है। 1 मिथॉक्सी और डबल बॉन्ड है इसलिए, और लॉन्ग चेन में ज्यादा कार्बन है तो वो आपको यहां पर कर रहा है। और देखते हैं साइक्लिक इथर की बात करते हैं, साइक्लिक इथर के कुछ कॉमन नेम ज्यादा फेमस होते हैं, उनको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2-3 नाम पहले देखते हैं। वेरी फर्स्ट, एक नाम इसका हो सकता है ऑक्सीरेन, एक हो सकता है इपोक्साइड, ये इसका
बिल्कुल साइक्लिक का पेट नेम है, बिल्कुल कॉमन नेम के दो, कुछ भी के दो, पर ये फाइनल है। अब ये दो तरह से ही हम नेम नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे इसको आपने के दिया यहां पर है ये इपॉक्सी, तो 1 2 इपॉक्सी, और लॉन्ग चेन में 3 है तो प्रोपेन। और अगर इसको वैसा नाम देना होगा कौन सा, इपोक्साइड ऑक्सीरेन वाला, तो फिर ऑक्सीरेन में ये मिथाइल और इस पूरे को बोलेंगे ऑक्सीरेन, तो मिथाइल ऑक्सीरेन। जैसे ये वाला इपोक्सी नाम देना है तो 1 2 3 4, 2 3 इपोक्सी एंड लॉन्ग चेन में ब्यूटेन। लेकिन अगर आपको ऑक्सीरेन देना है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीरेन, डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। डाई है, एक मिथाइल इधर, एक मिथाइल इधर, और ऑक्सीरेन। तो इपोक्सी में लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करते हैं, ये 4 का किया, फिर 2 3 पर एक 2 3 इपोक्सी ब्यूटेन। लेकिन ऑक्सीरेन के अंदर ऑक्सीरेन को देख के लेफ्ट राइट वाले को अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, डाई मिथाइल ऑक्सीरेन। ये साइक्लिक का नॉमनक्लेचर है। और देख लेते हैं, अब इस एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करिए। अगर अपने को ऑक्सीरेन नाम देना है तो ये हो गया ऑक्सीरेन, राइट, और ये क्लोरो मिथाइल है और ये मिथाइल है, तो पहले क्लोरो मिथाइल, फिर ये मिथाइल और ऑक्सीरेन। लेकिन अगर आपको इपॉक्सी देना है तो 1 2 3, 1 क्लोरो अल्फाबेटिकली, फिर 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। क्लियर? तो इसको थोड़ा सा नेम नॉम को कंप्लीट नेम एंड नॉमक्लेचर को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। 4 कार्बन है तो ऑक्सीरेन में तो आपने ये किया, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं ताकि आपको, या आप ऑक्सीरेन नहीं कर रहे, आप इपोक्साइड नॉमक्लेचर कर रहे हैं, तो लॉन्ग चेन का आपने सिलेक्शन कर दिया। अब 1 क्लोरो है तो 1 क्लोरो 2 3 इपोक्सी ब्यूटेन। क्लियर? तो इसमें पहले सब्सिट्यूएंट और बाद में इपोक्साइड लिखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नॉमक्लेचर। क्लियर? फाइनली प्रैक्टिस के लिए है, तो प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कीप इन माइंड, प्रैक्टिस करते हैं हम, चलिए। और प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन, तो ये लॉन्ग चेन का सिलेक्शन हो गया आपका, देन सब्स्टिट्यूएंट ये मिथाइल है और ये इथॉक्सी है, और लॉन्ग चेन नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5, तो नेम होगा इसका 2, देन इथॉक्सी, देन 3 मिथाइल, एंड लॉन्ग चेन में 5 है तो आप लगा देंगे पेंटेन, क्योंकि आपसे आईयूपीएसी नेम पूछा है। फॉर एग्जाम्पल ये, तो दिस इज मिथॉक्सी, बट लॉन्ग चेन का सिलेक्शन 1 देन 2 एंड देन 3, ये मिथाइल ये मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, ये तो आ ही गया। लेकिन इसके भी पहले आपको देखना पड़ेगा मिथॉक्सी, तो पहले आएगा 1 मिथॉक्सी, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं मिथॉक्सी, 2 2 डाई मिथाइल, एंड 3 कार्बन है तो आपका आ जाएगा प्रोपेन। डाई ट्राई को कभी भी अल्फाबेट में नहीं लेते हैं। क्लियर? ये आप ध्यान रखिए, एम और बाद में पी है, तो पहले मिथाइल और बाद में प्रोपेन, ठीक है? ये इसका कॉमन नेम आपका या यूपीएससी नेम हो गया। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग, कभी कभी स्ट्रक्चर आते हैं, आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, तो स्ट्रक्चर करते समय पीछे से चलिए, ब्यूटेन 1 2 3 एंड 4, फिर 1 2 इपॉक्सी, तो 1 2, तो 1 2 इपॉक्सी के लिए लगा दिया, 4 क्लोरो, ये 4 क्लोरो लगा दिया, 1 2 3 4। क्लियर? ये आना चाहिए स्ट्रक्चर भी। अब एनिसोल, जब बेंजीन पे मिथॉक्सी हो तो इसका नाम है मिथॉक्सी बेंजीन, जो बहुत ज्यादा फेमस है, यही आता है। फेनिटोल ये कॉमन नेम है, लेकिन ये इथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि ये वाला ग्रुप इथॉक्सी है, इथॉक्सी बेंजीन। कीप इन माइंड, ये एनिसोल और फेनिटोल इसको कहते हैं, ये कॉमन नेम है जो बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है? ये इनका सारा के सारा आपका आईयूपीएसी नॉमनक्लेचर हो गया, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम करके देख लेते हैं। प्रैक्टिस मैक्स से मेन परफेक्ट, अरेंज द फॉलो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड एंगल। तो हमने आपको सिखाया था जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा बॉन्ड एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो यहां पर ये आपको पूरा ग्रुप दिया हुआ है, इसको आपको अरेंज करना है।
तो मेरा ऐसा मानना है कि बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर साइन लगाना है। तो देखिए, ये आपका जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो सबसे पहले मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए H2O, इंक्रीजिंग ऑर्डर है सबसे कम, उससे ज्यादा आना चाहिए CH3OH, उससे फिर CH3 क्योंकि रिपल्सन होता है, लोन पेयर है, उससे ज्यादा आना चाहिए CH3। देखिए साइज बड़ा हो गया सी एस एल्काइल ग्रुप का तो रिपल्सन बढ़ गया, एंड फाइनली CH3, CH2O, CH2 और CH3, इसका आपका जो बॉन्ड एंगल है वो सबसे ज्यादा होगा। अभी से एग्जांपल को ले लीजिए तो सबसे कम होगा CH3 क्योंकि एल्काइल ग्रुप छोटा है, उससे बड़ा होगा आपके देखिए CH2, CH3, ओ CH2, CH3, और सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप है तो C3H7, तीन इधर भी है और तीन इधर भी है, C2H5 सॉरी। तो ये इसका 3 और 2 5 देख रहे हैं ना, बड़े बड़े ग्रुप है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। एन हाइड्राइड, तो ये आपका बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन है एन हाइड्राइड्स ऑफ इथेनॉल, तो डेफिनेटली पहले इथेनॉल लिखिए, CH3, CH2OH, CH3, CH2OH, एन हाइड्राइड, इसमें से OH को निकालिए, इसमें से H को निकालिए, क्या निकल गया H2O, और CH3, CH2O, CH2, CH3। तो एन हाइड्राइड ऑफ इथेनॉल इज कॉल्ड डाईथर, लेकिन कौन सा डाईथाइल ईथर, क्योंकि एग्जाम में डाईथाइल ईथर नेम भी आएगा। मोनोमिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ इथेनॉल, मोनोमिथाइल मतलब एक एच को हटा के मिथाइल लगा दीजिए, मोनोमिथाइल, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, मिथो, IUPAC तो हो जाएगा मिथोक्सी इथेन, और कभी कॉमन नेम पूछ ले तो इथाइल मिथाइल ईथर, क्योंकि पहले इथाइल आएगा फिर मिथाइल आएगा अल्फाबेटिकली और फिर हम लिखेंगे ईथर। तो ऐसे आपसे अलग अलग पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी है, उनको करनी चाहिए। तो नोमेनक्लेचर का अब हम लास्ट लेते हैं इस सेक्शन का, और वो एक ग्राउंड ईथर। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, कुछ डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो ये चीजें याद रखनी चाहिए आपको, और मैं फिर भी हमेशा कहता हूं कि आपको डिटेल तो करना ही चाहिए। क्राउन ईथर में आप देखिए कि क्राउन शेप होगा लाइक दिस, साइकिल के अंदर ऐसा भी हो सकता है, कितने भी कार्बन हो सकते हैं, और ऑक्सीजन बीच में होगा। तो इसके आप नोमेनक्लेचर बड़ा सिंपल है, पहले आप पूरा 1 2 3 4 ऑक्सीजन को भी काउंट करते कर दीजिए, तो 12 कॉर्नर से, तो 12 क्राउन और ऑक्सीजन 4 है तो 4, 12 क्राउन 4, इसको भी पूरा काउंट कर लीजिए तो 18 है, तो मतलब टोटल आ गया है ना, 1 2 3 ऐसा आ गया, तो 18 क्राउन और 6, 1 2 3, ये ऑक्सीजन आपके रिंग में 6 है तो 18 क्राउन 6। ये बड़ा आसान सा है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये आपका अगर आगे का लेवल पे जाना है आपको कॉम्पिटिटिव पे, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो देखिए दिस इज ऑल अबाउट ईथर का क्लासिफिकेशन प्लस ईथर का नॉमनक्लेचर, कॉमन नेम, IUPAC नेम, ये सब आप इसमें अंदर अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये मैंने ईथर का ये पहला वीडियो है इस चैप्टर का, और इसमें हमने नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन को देखा है। इसी आपको मैंने बता रखा है, जब भी कि हमारे कोई चैप्टर के पूरे वीडियो देखने हैं तो आप वीडियो उसके चैनल पे जाइए और उसके उस टॉपिक के सारे जो पार्ट्स हैं उनको आप देख सकते हैं। तो हम सेकंड पार्ट इसके नोमेनक्लेचर के बाद में आइसोमेरिज्म और इसके प्रिपरेशन मेथड पे जाएंगे। तो इसका जो ईथर का पूरा के पूरा जो आपका एक चैनल है उसमें कंप्लीटली आपको 1 2 3 ऐसे देखने, तब जाके आपको अपना ईथर चैप्टर कंप्लीट होगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।